पीएमजी का दौरा करो, गरीबों का मजाक मत करो, जी आज हम यहाँ पर जीएमसी के बाहर हैं, सब लोग खड़े हैं हम लोग, और ये पूरे जम्मू की आवाम का एक, मैं कह रही हूँ, दुखदायक एक बात है जो मैं आज कहने आई हूँ कि जिस तरीके से गरीबों का मजाक बनाया जा रहा है जम्मू मेडिकल कॉलेज में, अगर आप देखें कि कोरोना वायरस के नाम पर आज तक जो हरासमेंट हो रही है, जो लोग आम इंसान, आम जो जनता है वो हरास हो रही है, अंदर ना ऑक्सीजन है, ना डॉक्टर्स हैं, ना कोई अटेंड करता है। यहाँ पर आप मुझे बताएं कि जो डॉक्टर्स हैं, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं जिन्हें कोरोना हो गया, पॉजिटिव हुआ, वो जाकर नारायणा में भर्ती होते हैं, आप मुझे बताएं कि उन्हें अपने ही हॉस्पिटल में यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है, तो फिर आम जनता कैसे इन पर यकीन करेगी? इसका मतलब आपके अंदर कोई ना कोई कमी है। जो भी पॉलिटिशियंस हैं, जो भी XMLAs होते हैं, जो भी जो MPs हैं, वो जाकर नारायणा में जाके एडमिट हो जाते हैं, ऐसा क्यों? अगर ये GMC है, आप यहाँ की आवाम के बीच में आप बोलते हैं कि हम ग्राउंड लेवल के साथ लोगों के बीच में हम लोग चलते हैं, अपने लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, तो जब बात कोई परेशानी की आती है, आज इतनी बड़ी बात है, कोरोना से लोग सारे ग्रस्त हैं, तो आप वहाँ पर जाकर बैठ गए और अपने लोगों को आपने अनाथ कर दिया, पूरे जम्मू को आपने ऐसी, मतलब आपने जम्मू को समझ के क्या रखा है? जम्मू की जनता की आवाज़ कोई सुनने वाला है ही नहीं, ऐसा क्या हो गया कि मतलब आज ये मतलब एक मेडिकल डिपार्टमेंट एक ऐसी चीज़ है, मेडिकल फैसिलिटीज़ एक ऐसी चीज़ है जो बहुत प्राइम चीज़ है, जिसको हम कभी निग्लेक्ट नहीं कर सकते। हम सड़कों को, गलियों को, हर चीज़ को हम सबके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी की जान ही नहीं रही तो उसके बाद में हम बाकी पॉलिसीज़ का या बाकी चीज़ों की मांग का क्या करेंगे? आज की डेट में हम LG साहब से ये मांग करते हैं, पूरे जम्मू की आवाम ये मांग करती है कि प्लीज़ यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में आकर एक दौरा करें और ख़ुद अपनी आँखों से देखें कि उसकी दशा क्या है। कोरोना से कोई मरे या ना मरे, लेकिन अंदर जिस तरीके से कंडीशन है और जिस तरीके का व्यवहार लोगों के साथ, पेशेंट्स के साथ किया जाता है, मुझे लगता है कोरोना से वो मरे ना मरे, किसी और बीमारी से ज़रूर मर जाएंगे, नेग्लिजेंस से। और दूसरी बात, जो इन्फेक्शन, जिस मतलब जिस गंदगी का आप देख सकते हैं कितनी गंदगी वहाँ पर है, हम खुद वहाँ पर नहीं जा रहे, और ना ही मैं चाहती हूँ कि कोई भी और यहाँ पर इस तरीके का, मैं नहीं चाहती कोई कोई हरासमेंट करे, कोई मतलब कोई हम गलत काम करें, गलत तरीके से हम कोई मांग करें, एक पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, और पीसफुल ये हमारा अधिकार है, पूरे जम्मू के आवाम का ही अधिकार है। और मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि प्लीज़ मेडिकल डिपार्टमेंट जागो, हाई टाइम कि अब जम्मू इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, और अब जो डॉक्टर्स यहाँ पर अगर कोरोना वायरस से पीड़ित होते हैं, पॉजिटिव आते हैं, तो प्लीज़ उनको भी यहीं पर एडमिट किया जाए, यहीं पर क्वारंटाइन किया जाए, जो हम बाकी लोगों को, आम इंसान को जो ट्रीटमेंट देते हैं, वही ट्रीटमेंट उनको भी देनी चाहिए। तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि इक्वालिटी की मांग करते हैं, जान किसी की भी सस्ती नहीं होती, गरीबों का मजाक बनाना बंद करें। अब हम जितने भी मेडिकल, मैं कहूँगी कि जो ऑफिसर्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको अब जाग जाना चाहिए। ये हम कोई मतलब सड़क पर पड़े हुए, मतलब जम्मू के लोग, आम जो आवाम हैं, आपने उनको समझ के, फिर एक बार कहूँगी कि क्या समझ के रखा है आप, क्यों हमारे साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं? तो मैं बस इतना ही एक और बार बोलूँगी कि LG साहब से कि हमारी जम्मू की आवाम इस वक्त बहुत गुस्से में है, प्लीज़ यहाँ पर दौरा करें, जान ही नहीं रहेगी तो हम बाकी चीज़ों का क्या करेंगे।